फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए। घूमने नहीं, वैसे तो हम किसी के घर जा रहे हैं, लेकिन हमें भी मालूम नहीं है कि घर किसके जाना है। तो लता बताएगी हमको कि कहाँ जाना है, क्योंकि रूट लता के पास है। हम लोग लक्ष्मी दीदी के घर जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ रहती हैं वो? कैंटोनमेंट वो रहती हैं कैंटोनमेंट में। कहाँ? धोला कुआं के पास। हाँ, शायद वही, मुझे भी ठीक से अच्छा, मालूम और नहीं है, अभी चल के पर देखते हैं। तो अब हम उन्होंने वहीं जाएंगे तो लोकेशन पता दिया है चले। तो लोकेशन मिला है बस हमें, तो अब हमें जाना है ढूंढते ढूंढते उनके घर पे। तो देखते हैं वहाँ पे अरे, मैंने कैसा उन्हीं को होता ही है वहाँ सेंड पे। कर दिया, उन्हीं को दोबारा सेंड कर दिया। तो चलो चलते हैं फिर। अब हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो गाड़ी में भी गर्म इतना हो रखा है आज, एसी चला रखे, लेकिन अभी तक एसी का इफेक्ट उतना आया नहीं है। गाड़ी में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है इस समय। धूप एकदम तीखी धूप है, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है आज। अभी से इतनी गर्मी हो गई, आगे क्या होगा? अभी क्या टाइम हुआ है? 12:30 हुआ है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय। पापा ने क्या किया कि पापा सीधे वो गर्म हवा में घुमा रहे हैं और मम्मा मम्मा को सीधे गर्म हवा आ रही है। हमें लगा कि एसी गड़बड़ हो गया। तब ध्यान दिया कि गलत को मारे थे। हुआ क्या कि इन लोगों को लग रही थी गर्मी और मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने कोल्ड की जगह उसको हॉट पे कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ ये गर्म हवा क्यों दे रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। इन लोगों के बार बार बोल रहे हैं ये लोग गर्म आ रही है, गर्म आ रही है हवा। और मैं भी देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलेटर तो नहीं खराब हो गया। फिर अभी ध्यान दिया मैंने तो मैं उसको हॉट पे कर रहा था, अभी मैंने उसको कोल्ड पे किया है तो अच्छा ठंडा हो रहा है अब। अभी हम लोग पहुंच गए हैं धौला कुआं के पास, शेखावटी लाइंस, दिल्ली कैंट एरिया में। तो जिनसे हमें मिलना है वो यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे ये आर्मी क्वार्टर्स हैं ये, तो उन्हीं के घर जाना है हम लोगों को। अभी कोई लेने आएगा उनके घर से तो हम उनका वेट कर रहे हैं अभी। तो जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम उनके साथ निकलेंगे आगे। तो गाइज, अभी हम आ गए हैं और अभी तो हम लोग खाना खा रहे थे, उसके बाद टीवी देखे। अभी तो मैं इधर आ गया हूँ और मैंने सोच रहा हूँ कि अभी बैडमिंटन और यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि दीदी हैं उनके यहाँ मिलने के लिए। यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है, दो बच्चे भी हैं उनके, आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। अभी हम लोग जाएंगे फिर शाम के टाइम या दोपहर में निकलेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो ये है लक्ष्मी दीदी और लता, और इस फोटो में लक्ष्मी दीदी, लता और उनकी फ्रेंड। आर्मी क्वार्टर्स के आसपास का एरिया काफ़ी खुला है और यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी भी है। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो एकदम शांति है, ग्रीनरी नज़र आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के हमें। अभी लक्ष्मी दीदी के बच्चे नीचे खेलने गए थे तो अंश बोलने लगा कि मुझे भी खेलना है, तो वो वहाँ पे नीचे बैडमिंटन खेल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं वहाँ बच्चों के साथ वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मी दीदी के घर से वापस, और वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन वहाँ बहुत मज़ा आई हम सबको। अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो उनके साथ वीडियो ज़रूर बनाएंगे, और उन्होंने भी बोला है वो हमारे घर आएंगे एक बार। और उन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया था, और खाना इतना सारा था कि और हम लोग इतना खाया सारा भी था नहीं कि हमसे खाया भी नहीं गया, ठीक से पूरा खाना नहीं खाया गया। उनके बच्चे बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अच्छे थे, और अंश भी उनके साथ बहुत खेला, अंश को बहुत मज़ा आई, बहुत मस्ती करी अंश ने। अंश क्या किया आज, मजा आई? तुमको क्या क्या मिला, आंटी ने क्या दिया तुम्हें? चॉकलेट दिया। खाना कैसा लगा? ज्यादा था है ना, खा नहीं पाया। आप भी नहीं खा पाए ना? नहीं, हम लोगों ने तो खा लिया था। मुझे भी अंश का खाना खाना पड़ा क्योंकि अंश ने बचा दिया था। चलिए मिलते हैं फिर आपसे घर पे।
मैं। तो अभी हम उन लोगों के घर से तो आ गए हैं। वहाँ पे अब हम कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हम वीडियो रिकॉर्ड करें उनका, तो इसलिए हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया नहीं, ना ही उनको ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती किया कि वीडियो रिकॉर्ड करें। लेकिन वहाँ मज़ा बहुत आया, खाना बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने दीदी ने, और हम लोग क्योंकि पहली बार गए थे उनके यहाँ तो उन्होंने लता को गिफ्ट भी दिया, सूट दिया है और भी चीज़ें दी हैं, दो तीन चीज़ें, और बड़ा मज़ा आया उनके घर में। उनके हस्बैंड भी अच्छे थे, आर्मी में है वो, तो अच्छा लगा उनसे मिलके भी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा तो रिकॉर्ड कर नहीं पाए वहाँ पे, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ तो थोड़ा बहुत आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।